वेद रतन सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे वेद धर्म संस्कृति जन जागरण अभियान के तहत गुरुवार को वेदों में निहित मानव मूल्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, समाज सेवी ब्रजेश त्रिपाठी, संस्थान के अध्यक्ष रमेश त्रिपाठी, डॉक्टर गजेंद्र मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने वेदों में निहित मानव मूल्य विषय पर अपने विचार रखे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में लोग सनातन धर्म की संस्कृति और वेद को त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे हैं, जिससे लोगों का जीवन और जटिल होते जा रहा है। यही कारण है कि आज के युग में वेदों में निहित मानव मूल्य पर चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है, उन्होंने कहा। औपचारिकता है आभार ज्ञापन। अभी विष्णु जी के पूरे दिसंबर में इनको सम्मानित करेंगे, वहाँ कुछ बच्चों को कार्यक्रम किया जाएगा, बहुत आगे जाएगा और जमीन ही अंदर काम करेगा। जय हो जय हो। हम बोलते तो हैं, उसमें लेस मात्र ही उस बोलने के बाद भी उस पर चलने का कार्य नहीं करते। हम जानते तो हैं लेकिन हम मानते नहीं, और जानने मानने के बीच का जो अंतर है वो अंतर रमेश ने पूरा किया। वो कैसे? रमेश से बाबा जो है थाईलैंड में, रमेश से बाबा मतलब रमेश की उम्र होगी 25 साल, रमेश के पिताजी की उम्र होगी 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल। इनके बाबा जी थाईलैंड में चुलेलंगकम विद्यालय में संस्कृत के लेक्चरर, यानी हमारे बाबा थाईलैंड में संस्कृत के लेक्चरर थे। उसके बाद से लाइन कट गई, बिजली भर गई और अब वो जाकर 30 साल का लड़का 28 साल का लड़का विधायक को जोड़ रहा है। ये बात आ रही है कि 7 पीढ़ी में कहीं कहीं से ब्लड रिलेशन से जो क्या नाम है वो क्रोमोसोम से जो अंग्रेजी का विषय है बायोलॉजी के और हिंदी में हम लोग जो उसमें गुणसूत्र कहते हैं वो विषय कहीं आया। अब ये विद्वान भी छात्र हैं, इनके बारे में मणि जी ने बताया कि वो किसी प्राइवेट विद्यालय में ज़्यादा थक रहे हैं। हम वेदों की तरफ पढ़ रहे हैं, वेदों में रुचि ले रहे हैं, संस्कृत हम सभी का विषय धीरे धीरे अपना रहे हैं और जो कहा जाता है संस्कृत सारे विषयों की जननी है। तो और ये सारा विषय वेदों से ही निकला हुआ है संस्कृत भाषा, और आप जैसे विद्वान के छाया में धीरे धीरे जो बहुत बड़ी पौध निकल रही है, निश्चित रूप से संस्कृत का विकास होगा और वेद का उत्थान तो हुआ ही है, हम सभी उसका अनुसरण करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सभी को मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए साधुवाद देता हूँ। कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, और दुनिया की कोई लिखित कृति आज उपलब्ध है उसमें हम ऋग्वेद का नाम लेते हैं, पहला ऐसा ग्रंथ है विश्व वाङ्मय का जो उपलब्ध है, और उसकी मर्यादा धर्म पर। धर्म वो है जो हम में धारण करे और जिससे हम धारित हों। धर्मो धारयते प्रजा, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, धर्म आचरण करने की पद्धति है। तो ये जो संस्था है ये लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए है कि हम अपने को जानें, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी क्या स्थिति होगी, हम कहाँ जाएंगे। ये सारी चीज़ों को जब आदमी जानेगा तो गलतियाँ नहीं करेगा, और जीवन जो रुका हुआ है वो मूल्यों पर रुका हुआ है। बिना मूल्य के हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूल जो है वही मूल्य है, मूल पर आधारित होना। और वो मूल्य हमें वेद बताते हैं, वेद हमें बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म करेंगे तो इससे लोक का उत्थान होगा, कौन से कर्म करेंगे तो उससे लोक का पतन होगा। तो इस प्रकार से रित सत्य ये मूल्य हैं, बड़े मौलिक मूल्य हैं। दीक्षा है, तप है, मंत्र है, यज्ञ हैं, ये ऐसे
मूल्य हैं जिन पर आधारित होकर के, जिन पर अवस्थित होकर के पूरे विश्व को हम कोई न कोई रास्ता दे सकते हैं, जिस पर चल करके हम न केवल भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं बल्कि जो अध्यात्म विद्या, विद्या नाम भगवान ने कही है, तो उस आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करते हुए विश्व के गुरु के रूप में भारत पुनः प्रतिष्ठित हो सकता है। कि जब ये ग्लोबलाइजेशन, देखिए जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मैंने भूमंडलीकरण हुआ है, तो इस भूमंडलीकरण ने बाजारीकरण को दिया है जिसको मार्केटाइजेशन कहते हैं। तो इस बाजारीकरण के कारण लोग भौतिक वस्तुओं के लोभ में अपनी संस्कृति को छोड़ के भाग रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। और जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ थोथा है, वहाँ केवल ऊपरी चीज़ें हैं, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ टिक करके आप कुछ जीवन के लिए कर पाएँ। थोड़ी देर के लिए आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। सुख और आनंद में फर्क है, सुख भौतिक सुख है और आनंद आत्मा का सुख है। तो आत्मा का सुख पाने के लिए आपको भारत की ओर लौटना होगा। यही कारण है कि आज फिर हम वेद द्वारा बताए गए मूल्यों की तरफ वापस आने की बात कर रहे हैं, और जब तक यहाँ नहीं आएंगे हमारा उद्धार नहीं होगा।